रेल यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग रूटों पर कई पूजा और विंटर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के ADRM चौधरी विजय कुमार ने बताया कि कटिहार रेल मंडल में शुरू हुई स्पेशल ट्रेनों में मुख्य रूप से NGP अमृतसर, रानी कमलापति अगरतला, ओखा नहरालागुन, गुवाहाटी रांची, कटिहार रांची, कटिहार अमृतसर, जोगबनी आनंद विहार, कटिहार चंडीगढ़, पूर्णिया आनंद विहार और जयपुर जोगबनी सहित कई अन्य ट्रेन शामिल है। यह सभी ट्रेन भाया कटिहार होकर अप डाउन में साप्ताहिक अथवा निर्धारित तिथि पर परिचित होगी। जो हमारे स्टीम पैसेंजर जो इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं छठ पूजा के और दीपावली के अवसर पर, उनको बैक भी अपने जहां काम करना हो जाना है। इसमें हमने जो हमारे रेलवे ने काफ़ी सारे ट्रेन का यहां से बैक जाने का भी सुविधा प्रदान किया है और ये जब तक भीड़ रहेगी जब तक ये पूजा स्पेशल और छठ स्पेशल के नाम से चलेगी। ये अभी तो सर्टेन पीरियड आई थिंक 10 से 15 दिन है, उसके बाद मैं डिटेल आपको दे दूंगा कि इंडिविजुअल ट्रेन वाइज कब कब यहाँ से खुलेगा और क्या क्या स्टॉपेज होगा। आपके माध्यम से सभी जितनी पब्लिक है उनको आप बताइएगा। लोगों को सर इसके प्रचार प्रसार वगैरह के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहे हैं, डिजिटल मीडिया का से प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रचार कर रहे हैं और जितने भी पत्रकार आप लोग हैं उनके माध्यम से भी हम लोग इसको पब्लिसिटी कर रहे हैं। देखिए, हमारा यहाँ से कटिहार से दिल्ली आने वाली है, कटिहार से साउथ जाने वाली है, ये सब रूट में पूजा स्पेशल का प्रचालन किया जा रहा है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ADRM चौधरी विजय कुमार ने आम यात्रियों से अपील करते हुए आगे कहा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और पटाखे लेकर न यात्रा करें। यदि कोई भी यात्री ऐसे विस्फोटक सामान लेकर यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं जितने भी पैसेंजर हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा वस्तु न ले जाए जो ज्वलनशील हो, गैस है, लाइटर है, पटाखे हैं, जो प्रतिबंधित सामान है हमारे ट्रेन से लेकर नहीं जाए। साथ साथ जो है आप लोग रिजर्वेशन करा के आप लोग सफ़र करें तो आपकी सफ़र काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।